तुम्हें हो क्या क्या है? वहां की घड़ी घड़ी जाके उसके भाई उससे बात नहीं की कैसे होती तुम्हें घड़ी घड़ी? रमन, मैं तो सिर्फ नेवर माइंड। सर आपने पेपर सबमिट नहीं किए। साइन करो, मैं भूल गया था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना साईं? देखो तुमने क्या किया है इस कैरी मीना कित साईं, वो क्या किया तुम्हें यार? ये साईं रमन, I'm sorry actually, वो अशोक मैंने देखा ना, तो हो सकता है कि मुझे शकुन याद आ गई होगी, इसलिए I'm so sorry, मैं काट के दूसरा साइन कर देती हूँ। दूसरा फॉर्म ला रहा है वो, प्लीज I'll just ला रहा है दूसरा फॉर्म, प्लीज होश में आ जाइए, ध्यान रखो अपना। सर सर ये फाइल है सर, अपनी साइन करना है इसमें प्लीज। ऑफ कोर्स रमन। शकुन का सिग्नेचर, इशिता ने एग्जैक्टली शकुन की तरह साइन कैसे किया और क्यों? सभी टेंडर्स यहां आ चुके हैं, लेकिन ये टेंडर किस कंपनी को जाएगा ये हम एक हफ्ते बाद अनाउंस करेंगे, बट आज की शाम को रंगीन और खूबसूरत बनाने के लिए आप सबका शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन, सी यू एट द आफ्टर पार्टी। नमन, हम कहीं घूमने चलते हैं, कुछ एक्साइटिंग सा करते हैं। अरे तुम सारा दिन क्लिनिक में थी, फिर वो ज़ुम्बा क्लासेस, तुम थक गई होगी। कम ऑन रमन, कितने बोरिंग हो गए आजकल, लॉन्ग ड्राइव पे चले। एक मिनट, हाँ शर्मा बोलो। हाँ मीटिंग खत्म हो गई। हेलो मिस्टर बिल्ला। हेलो। वैसे कितने दिन बाद मिले हैं? आज एक्चुअली मुझे कहीं जल्दी में पहुंचना है, तो मैं आपसे फिर से बाद में मिलता हूँ। ओके मिसेस बिल्ला। ड्राइव पे कभी और जाएंगे, मुझे ऑफिस जाना है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। व्हाट्स रॉन्ग विद यू रमन? मैं लॉन्ग ड्राइव की बातें कर रही हूँ, रोमांटिक डेट की बातें कर रही हूँ, और तुम? मैं मीटिंग्स एंड इन्वेस्टर्स से फुर्सत ही नहीं है। नहीं बस चलो।
हेलो अशोक, और बिजनेस कैसा चल रहा है? ऐसे ही धोखे दे दे के बिजनेस कर रहे हो अभी भी या कुछ नया शुरू किया है? Come on, Ashok. I know everything about you. You know, right? Excuse me. I'm sorry. Milungi wapas. जी इशिता ही थी ना? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यार। सही कह रहा है यार अशोक, तू थोड़ा बच के रह। तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे तेरी गर्लफ्रेंड हो। जाने दे, मुझे बहुत भूख लगी है। लेट्स लीव। डिनर जल गया। क्या मीर, ये सब स्टंट्स करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें खाना बनाना कहाँ आता है, तो कोशिश क्यों कर रहे हो? यार मीका, मुझे लगा खाना बनाना आसान काम है, लेकिन नो, बट खाना जल गया, किचन बच गया। चलो कोई बात नहीं, मैं हम तीनों के लिए कुछ बना दूँ। नहीं, मैंने तुम दोनों को इनवाइट किया तो एक काम करते ना, अब बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते। व्हाई नॉट? हां, दैट्स अ गुड आईडिया। या लेट्स डू दैट। जो ऑर्डर करना है, जो खाना है खा लो, लेकिन मुझे किचन साफ करने दो, इट्स टू डर्टी, आई कांट सी इट। सॉरी यार, वो मैं बाद में करूंगा। इट्स ओके। अच्छा बोलो अभिषेक, क्या खाओगे? हां, लेट्स सी व्हाट्स ऑन द मेन्यू, देखते हैं। मुझे जहां तक दिख रहा है, दुखी मुर्ग, बदहाल पनीर और परेशान रोटी। व्हाट विल यू प्रेफर, टेल मी। वैसे मीर, तुमसे कुछ बात करनी है। यार, देखो, I'm sorry. ये दुखी मुर्ग और बदहाल पनीर और ये परेशान रोटी तुम इसलिए तो ऑफर नहीं कर रहे हो क्योंकि मैं और मीका साथ में है। अभिषेक, कैसी बातें कर रहे हो? मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि मैंने तुम दोनों को डिनर पे बुलाया। I wanted to do something special for the both of you. सारा प्लान चौपट हो गया। मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूँ। जब मेरी और रिंकी की शादी हुई थी, तो मीका ने मेरी बहुत हेल्प की थी। She did so much. और मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहूँ। For the both of you. You sure you okay ना? Perfectly fine. चलो, okay. बताओ, डिनर क्या ऑर्डर करना है? रमन, एक बात बताओ। ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा ना? आई मीन, तुमने ये प्राइसेस वगैरह सब ठीक से कोट तो किया है ना? ये जो अशोक है ना, he is, you know, बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम उससे हार गए तो। यू अंडरस्टैंडिंग ना? Enough यार, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अब अंदर क्या कर रही थी जब से ये अशोक खन्ना, अशोक खन्ना, अशोक खन्ना? What is wrong with you यार? रमन, तुम्हारे लिए बोल रही थी, तुम्हारे फेवर में था सब। मेरे फेवर में? Really? What's your problem, रमन? Etiquette आते हैं मुझे। अगर कोई सामने खड़ा है पार्टी में तो बात तो करूंगी ना। वैसे भी अशोक इज योर बिजनेस एसोसिएट, तो बात नहीं करूंगी। Excuse me, अशोक खन्ना मेरा बिजनेस एसोसिएट नहीं है। मैं नफरत करता हूँ उस आदमी से। तुम भूल गए उसने हमारे साथ क्या किया हुआ है? अशोक खन्ना, हाय अशोक, बाय अशोक, सी यू लेटर, व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू यार? Don't you think you're overreacting, Raman? I'm overreacting? Obviously you are, Raman. You're overdoing it, damn it. मुझे लगता है तुम्हें मेरे चेहरे से प्रॉब्लम है, रमन। यू जस्ट डोंट वांट टू सी माय फेस। मैं तुम्हारे बाजू में होती हूं तो उसी में तुम्हें प्रॉब्लम हो जाती है। इट्स ओके रमन, यू वांट टू गो फॉर योर मीटिंग और व्हाटएवर, गो ना। आई डोंट केयर। मैं यहीं से उतर जाती हूं, मैं चली जाऊंगी खुद ही। मैं यहीं उतर। दरवाजा खुला है? हाँ। जाइए। इडियट, डिनर भी नहीं कराया, रोका तक नहीं, अब मैं कहाँ जाऊंगी? टैक्सी, जीके वन जाना है।
भाई अगली बार खाना बनाना अटेम्प्ट नहीं करूंगा। व्हाट्स अप गाइस, आइसक्रीम ऑर्डर करें? हाँ, लेकिन मेरे लिए चॉको चिप आइसक्रीम, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इनफैक्ट ऑर्डर क्यों करना है, हम खुद ही जाके ले आते हैं, 2 मिनट लगेंगे। चलो अभिषेक, लेट्स गो। सी यू इन अ व्हाइल। जल्दी आना। मीर को आज भी पता है कि मुझे चॉकलेट चिप फ्लेवर ही आइसक्रीम में पसंद है, और खाना भी मेरी पसंद का मंगाया, चाइनीज। ये कहता तो है कि मीका को पसंद करता है, पर देखे तो सही उसके लिए किस हद तक जा सकता है ये। अभिषेक, आमिर, अभिषेक तुमसे एक बात करनी थी, अगर तुम पुराना हो। अरे बोलो ना मीर। लुक, I don't want this to sound wrong or come out wrong, but see, मैं जानता हूँ कि तुम मीका को बहुत चाहते हो, you really like, and I'm really happy for the both of you. और मैंने मीका को पहले डेट किया है, so I just wanted to give you some tips and tricks on how to kind of मीका के लिए. Absolutely, Mihir. Are you sure? I hope yeah, this is yeah, not. Yeah, I would welcome that. Look, Abhishek, सबसे पहली बात क्या बोलूँ, एक तो इतनी लंबी लिस्ट है, तुम्हें क्या क्या बताऊँ? Okay, number one. मीका के साथ जब भी तुम होगे ना, अपनी फीलिंग्स को ना ओवरटली इमोशनल जो तुम्हारी फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस मत करना, ट्राई टू कीप देम कंट्रोल्ड, यू नो, बिकॉज अगर तुम ज्यादा एक्सप्रेसिव होगे ना, शी वॉन्ट लाइक इट। और हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, इसलिए योर प्रोफेशन डिमांड्स यू टू बी एग्रेसिव एंड माचो। लेकिन मीका को माचो एग्रेसिव लड़के बिल्कुल नहीं पसंद है। शी इज लाइक या शी इज कंप्लीटली अगेंस्ट वायलेंस, वो तो नॉन, आई मीन खुद फूलन देवी है और बन भी जाती है कभी कभी, लेकिन उसका लड़का अगर वायलेंट हो, और हाँ और क्या, यस, यू हैव टू ट्राई टू बी अ मेट्रोसेक्सुअल। मेट्रोसेक्सुअल? अरे मेट्रोसेक्सुअल यार, वो जो लुक मैनिक्योर, या वन थिंग अबाउट मीका, शी लाइक्स मेन हु आर नो हेयर ऑन देयर बॉडी। या लुक, मैंने भी करा है, मैंने भी कराया, ट्रस्ट मी, इट वर्क्स। अभिषेक देखो, सोचो मत, सी तुम जाओ तो मैं तुम्हारे साथ वैक्सिंग कराने आ जाऊंगा यार। अरे बट वैक्सिंग ये कराना जरूरी है क्या? ट्रस्ट मी अभिषेक, इट्स वर्थ इट, यू मस्ट, चेस्ट हेयर टेक इट ऑफ। मैं तो आजकल दाढ़ी भी इसलिए उगा रहा हूँ, इतना खुश हूं, नहीं तो रोज शेव करनी पड़ती थी मुझे। बट ये सब कौन करता है मीर? लुक अभिषेक, मीका इज अ ग्रेट गर्ल, शी इज अ वंडरफुल गर्ल, लेकिन उसकी कुछ ये जो चीजें है ना, I mean, she likes office going, sida sada, simple, bhola type guys. No macho violence aggressiveness, no control. और ये थोड़ा अपना dressing sense जो है ना तुम्हारा, leather jackets और jeans, tone it down, be a little bit more, you know, थोड़ा सा different कुछ करो। तुम इतने अच्छे लड़के हो, बस ये अपनी कुछ चीजें दिमाग में, just pinpoint it in your head. Look, मैं बस तुम्हें help करने की कोशिश कर रहा हूँ as a friend. मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों खुश रहो. That's it. Trust me, do this, things will work. और फिलहाल उसकी चॉको चिप आइसक्रीम लेके आते, नहीं तो बहुत गुस्सा हो जाएगा। कम, let's go. Excuse me, आपका नाम वंदिता है? हाँ। आपके फ्रेंड ने आपके लिए टेबल बुक की है, आई। नो लिसन प्लीज, मैं उनसे नहीं मिल सकती, वो जो भी होना प्लीज आप उन्हें कह दीजिए कि मैं चली गई, प्लीज। आप उन्हें जानती नहीं है, ब्लाइंड है? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक फैमिली रेस्टोरेंट है, सेफ है। फिर भी अगर आपको किसी भी वक्त जाना हो तो आप मुझे तुरंत इशारा कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। आई, ओके। Can't do this. एक दो मिनट में कोई बहाना बना के निकल जाऊंगी। Excuse me. Hi. बहाना। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? हेलो। Yes,
वो मैं ही था जो तुम्हें इतनी स्टूपिड से शायरी भेज रहा था। ना जिस आदमी की इतनी खूबसूरत बीवी हो और ये ऑनलाइन डेटिंग वेटिंग के चक्कर में कैसे पड़ सकता है यार। I'm so sorry for that. I want to make up for it. इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया, क्योंकि तुमसे अगर मैं सीधा सीधा पूछता तो बिकॉज ऑफ योर बिजी शेड्यूल तुम मुझे मना कर देती। I can't tell you, मैं तुम्हें देखकर कितनी खुश हूँ। Wow. इस खूबसूरत से हक के लिए मैंने इतने पापड़ भेजे, नहीं तो मैं अपनी बीवी को किसी और के साथ डेट पे भेजता। Next to impossible. You know what? Actually, ना मुझे थोड़ी सी कहीं पे फीलिंग थी कि शायद वो तुम होगे, लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुंची ना तो I was really scared. मुझे लगा कि अगर तुम नहीं हुए तो, but then as usual my husband won my heart. मैं क्यों इशिता पे गुस्सा हो गया? वो खुद एक डॉक्टर है और शायद इसलिए उसने अशोक को मशरूम खाने से रोका। लेकिन उसे कैसे पता कि अशोक को मशरूम से एलर्जी? इतनी अजीब हो गई पिछले कुछ दिनों से वो। आई थिंक मनोज सही कह रहा है, पहले हमारा बच्चा और अभिषेक को, इशिता को वक्त देना होगा तो धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाए। आई थिंक मुझे उसे हॉलीडे पे ले जाना चाहिए। तो मैडम को शॉपिंग जाना था, पहले ही बोल दी थी। चलो अच्छा शॉपिंग कर ले, और तो वैसे भी शॉपिंग से सुकून मिलता है। अरे नहीं, इतनी अच्छी जगह में तुम मुझे लेकर आए, इस जगह का आइडिया किसने दिया? फ्रेंड्स के साथ। ओह माय गॉड, अरे ये आई हैव टू गो एंड क्लीन अप। या एक सेकंड आइएगा मैं बाबा। On the rocks. ये ईशु यहाँ क्या कर रही है? कैसे बिहेव कर रही है? अभिषेक तुम्हें अच्छी तरह याद है ना मैं तुम्हें क्या समझाया? समानता, जेंडर इक्वालिटी, नो स्पेशल ट्रीटमेंट, ऑलराइट? या और कुछ होगा तो मैं बता दूं। गुड जॉब, लेट्स गो। या मैडम ये लो आपकी आइसक्रीम। थैंक यू। ओह माय गॉड, इतनी देर हो गई। अरे यार मैं तो भूल ही गया, कल सुबह मेरी बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन है। सॉरी गाइस, आप दोनों को जाना पड़ेगा। अरे लेकिन मीर, पहले आइसक्रीम तो खा लो, तुमने मंगवा ली, अब तुम खाने नहीं दे रहे। अरे मेरी सुबह प्रेजेंटेशन है, तुझे आइसक्रीम खानी है। चलो सी यू, बाय बाय बोथ ऑफ यू। अरे लेकिन अच्छा अभिषेक एक काम करो, मीका को ना किसी भी आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खिला देना। ओके अच्छा बाय, गुड नाइट। अरे लेकिन अरे ये निकल जाएगा। अरे अरे बाय 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 बाय, सी यू, गुड नाइट। गुड नाइट गाइस, नाइस टू हैव यू ओवर, सॉरी फॉर एवरीथिंग। क्या हुआ? चलो मुझे आइसक्रीम खानी थी अभिषेक। तो क्या हुआ और ले लेंगे? एक्चुअली ना यहाँ पे पास में एक बहुत अच्छा होटल है, उनके कॉफी शॉप में चॉकलेट बेक चीज केक मिलता है, यमी, यू लव इट। चले चलो। आइस मोर इशू। हे वंदिता, हाय इशू, ये क्या कर रही है तू? शराब पी रही है? सेलिब्रेट कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम है? कैसा सेलिब्रेशन? रमन तो कहीं दिख नहीं रहा है। सरप्राइज है मेरे लिए। नो इट्स गुड कि तू सेलिब्रेट करने के मूड में है। एक्चुअली मैं और बाला भी डिनर पे आए थे, तो इज इट ओके इफ वी जॉइन यू? मतलब तेरा कोई पर्सनल सेलिब्रेशन तो नहीं है? मोर द मेरियर, कूल, गो गेट हिम, अब साथ में मिलके सेलिब्रेट करेंगे, वी विल एंजॉय, गो गेट हिम। ये इशू को क्या हो गया है? ऐसे अजीब से बिहेव कर रही है, I can't believe this. I have to tell Bala. मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।